नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजीत मंडल, आप सभी का मरहबा मेरे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया हैं, मजे में। लेकिन मैं मजे में नहीं हूं, क्योंकि आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइज, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज का जो वीडियो है काफी इंस्पायरिंग है, काफी मोटिवेटेड है। तो चलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, आई होप आप लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगा। दिस इज रोमी, वन ऑफ द यंगेस्ट लेडी बाइकर इन वेस्ट बंगाल। रोमी कोई ऐसा वैसा बाइकर नहीं है, इन्होंने जो किया है अच्छे अच्छे लड़के भी करने में 100 बार सोचेंगे। तो चलिए उनके जर्नी के बारे में सुन लेते हैं। हेलो, दिस इज रोमी मुखर्जी फ्रॉम बर्धमान। एक्चुअली आई एम फ्रॉम हावड़ा, बट करेंटली शिफ्टेड इन बर्धमान। सो मेरे लाइफ में मैं अभी तो जॉब कर रही थी, अभी जॉब छोड़ चुकी हूँ, अभी MBA कर रही हूँ। फाइनल ईयर है, कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से जॉब में वापस आ जाऊँगी। तो अभी मेरा जो पैशन है वो है राइडिंग। जो मैं अपनी स्कूटी लेके, मतलब मेरा एप्रिलिया जो है मेरा अपने, उसको लेके मैं राइड करती हूँ, घूमती फिरती हूँ वेस्ट बंगाल के बाहर भी। तो वैसे ही सोच के मैं 2018 में मेरा फर्स्ट ट्रिप रहा सिक्किम। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ बर्धमान से, उधर से 550 किलोमीटर लग जाता है सिलीगुड़ी पहुँचने में। तो पहले दिन वही मेरे, मतलब बड़ा चैलेंज था कि मैं सिलीगुड़ी एक ही दिन में पहुंच पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा कैपेसिटी कितना है, मैं कितना कैपेबल हूँ एक दिन में चलाने के लिए। चला तो लेती थी पर उतना आइडिया नहीं था। तो ये मेरा अनलॉक पीरियड था कि मेरा फर्स्ट डे राइड जो था सिलीगुड़ी में, जब हम पहुंच गए थे, हाँ थोड़ा डरे हुए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट राइड, नेक्स्ट डे पहाड़ देखेंगे कैसे चलाएंगे, आइडिया नहीं था। पर उससे ज़्यादा एक्साइटेड थे, जो हम लोग का फील होता है, जो कि मैं, मतलब हम जब चला रहे हैं कि हम चला पाएंगे या नहीं, कुछ भी, बहुत फर्स्ट टाइम बहुत कुछ सोचने को आता है कि ये करेंगे वो करेंगे, अगर कुछ हो गया तो घर वाले भी परेशान होते हैं। मेरे साथ भी और एक थी, एक मेरी बहन जैसी थी, तो हम दोनों मिलके ये सफ़र तय किए थे। हम जितना घूम चुके हैं, जितना भी हम लोग कहीं भी गए, जहाँ राइडर लोग मिला, जो ट्रैवलर लोग मिला, जो मतलब बाइकर लोग मिला, हर कोई बाइकर ही था, पर वो गियरलेस स्कूटी या कुछ और वाला कोई हमको भी देखने को नहीं मिला था पूरा सिलीगुड़ी में। वैसे कि इतना दूर से कोई राइड करके आ रहा है, हम थोड़ा नर्वस भी थे कि कोई नहीं जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं। पर क्या है कि जब मन था घूमने का, उतना फिक्र भी मतलब ज़्यादा नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि तब हम जब पहाड़ में पहुँच गए थे तो नज़रिया जो था, जो ब्यूटी था नेचर का, उसको लेके हम ज़्यादा ही उसको लेके देखने में बिजी हो गए, कि हमको अपना जो पहला दिन वाला जो डर था वो फील ही नहीं रहा। जब हम पहुंच गए लेक वाला पार्ट, इतना ऊंचाई में है, 17,800 फीट ऐसा कुछ है, तो देखा कि हम अचीव कर लिए, मतलब अगर मैं चाहूँगी तो मैं कर सकती हूँ। लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी डराते हैं, पर वैसे नहीं कि हम अगर नहीं पहुँचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं फेस करेंगे, तो पहले हम हार मारने वाले से नहीं है। तो इसी वजह से हम जब पहुँचे तब अपने आप एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, अगर इतना पहला राइड मैं ऐसे कर सकती हूँ तो नेक्स्ट राइड तो और भी मज़ेदार हो सकता है। जैसे हर कोई सोचता है कि स्कूटी कमज़ोर होता है, कि गियरलेस जो होता है कमज़ोर होता है, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, बाइक ज़्यादा सेफ है, हो सकता है सेफ है, पर मेरा जो ख्याल है कि हम लोग साइकिल या बाइक या स्कूटी ऐसे कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है हम लोग का इंटेंशन क्या है, कि हम किससे जाना चाहते हैं, कैसे जा सकते हैं, वही सब कुछ। पहले राइड के बाद मुझे था कि हम जो नेक्स्ट राइड करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब टाइम लेके होना चाहिए, मतलब हमको, मतलब 7 days में जो मेरा राइड था वो मन नहीं भरा था, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था, और भी कुछ सीखना था, इतना इंटरेस्टिंग 7 दिन में अगर हो सकता है, अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो और भी कुछ सीखने को मिलेगा, और भी बहुत नया नया चीज़ जानने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। तो इसलिए हम सोचे थे कि ठीक है,
तो नया कुछ नया राइड प्लान करते हैं, थोड़ा नया जगह एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो कोई भी अगर राइड के बारे में सोचते हैं तो पहला चीज़ जो दिमाग में आता है वो है लद्दाख। ठीक है, सबका ड्रीम राइड होता है, मेरा भी है। तो जब मेरा राइड का हम प्लान कर रहे थे तो कुछ कुछ तस्वीरें मुझे मतलब इंटरनेट से या जब लद्दाख के बारे में सर्च कर रहे थे तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा फ़ोटो मेरे तस्वीर मेरे सामने आया था जो कि जब हम वो तस्वीर को सर्च किए कि कहाँ पे है लद्दाख में, तो देखा वो लद्दाख में नहीं है, वो है हिमाचल में। हिमाचल में एक स्पीति वैली बोल के एक जगह है। जैसे कि उधर की की मॉनेस्ट्री, चिचम ब्रिज एंड उधर जो जो हाईएस्ट पासेस जो है, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस था उस उधर, मतलब हाईएस्ट मॉनेस्ट्री, वर्ल्ड का हाईएस्ट मॉनेस्ट्री था, तो ये सब जगह एक ही जगह में है। तो मुझे लगा कि स्पीति में जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा एडवेंचर भी मिलेगा एंड ज़्यादा कुछ एक ही जगह में दिखने को मिल जाएगा। तो मेरा राइड स्टार्ट हुआ था सेप्टेम्बर के टाइम, तो उस टाइम डरे हुए नहीं थे। इस टाइम बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ भी रास्ता हो, कहीं भी हो, जा पाएंगे, उतना टेंशन नहीं है। पर पहाड़ देखने के लिए, एक माउंटेन जिसके लिए हम इतना प्लान वगैरह करते हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा। क्योंकि जब हम गुरुदंगवा सिक्किम राइड किए थे तो उस टाइम एक दिन मतलब हाईवे में था, नेक्स्ट दिन हमको पहाड़ देखने को मिल गया था। पर इधर हम लोग का पेशेंस का जो है वो टेस्ट हो रहा था, क्योंकि मुझे 3 दिन लगा मतलब हिमाचल पहुंचने में। क्योंकि पहले दिन था मेरा बनारस, उसके नेक्स्ट दिन आगरा, फिर चंडीगढ़, फिर जाके देखने को मिला शिमला, जब मैं पहाड़ में पहुंची। स्पीति में जाने के लिए पहले नाको ताबो ये सब होके जाना पड़ता है, जो बहुत ही ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होने लगा था, राइडर राइड का जो रास्ता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने लग गया था, क्योंकि मुझे ऑफ रोड मिलने लग गया था। तो अच्छा ही लग रहा था पूरा एक्सपीरियंस जो है। जब हम स्पीति पहुँचे थे बहुत रात हो गया था, तो उसका जो तब का जो ब्यूटी था रात का वो देखने को मिला। बट सुबह को जो मतलब सुबह जब हम उठे, स्पीति का जो ब्यूटी था बहुत ही ब्यूटीफुल था। उधर का जो रिवर था बहुत ही कलरफुल, एकदम ब्लू, जैसे मेरा हम लोग जो फ़ोटो देखते हैं ना स्पीति को लेके, पूरा वैसे की वैसे ही है, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। उसका जो स्काई है, उसका जो रिवर है एंड उधर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही सुंदर। ये था मेरा बहुत छोटा सा, मैं बिगिनर हूँ तो इस राइडिंग की मतलब राइडिंग में ये पैशन, मैं एक्चुअली बिगिनर, तो ये था मेरा छोटा एक राइडिंग स्टोरी मेरे लाइफ का। अभी तक ख़त्म नहीं होने वाला है, शुरू हुआ है, तो वो मैं शेयर किया। आई होप सबको बहुत पसंद आएगा और आई होप मेरा जो स्टोरी है अभी जो राइड के लिए, ये मतलब जो राइड किए, इतना कुछ हम देखे, इतना कुछ जाने इतना शॉर्ट टाइम में, तो ये आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, घर मैनेज करना, जॉब मैनेज करना, उस ऊपर से मेरा स्टडीज़ भी है, सब कुछ मैनेज करके निकलना डिफ़िकल्ट था। हर लड़की और लड़का का मतलब सबको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है। पर जो जब अगर खुद का कुछ पैशन हो उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हम लोग को एनर्जी देता है अपने डेली लाइफ को झेलने के लिए, क्योंकि सबका लाइफ में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा चीज़, मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगी, तो जिसको शौक है कि ट्रैवल करना है दो पहियों पे, तो अपना जो सपना है आप खुद को उतना कैपेबल बनाओ, या फिर उसके लिए जो खुद के लिए जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ मुझे ये सब करना है, थोड़ा वर्कआउट करना है या फिर घर में मनाना है, खुद को मतलब सेटल डाउन करना है, थोड़ा पैसा वैसा जुगाड़ करना है, उसके लिए थोड़ा जो भी ड्रीम है उसके लिए थोड़ा फोकस हो जाओ। अगर तुम अगर चाहोगे तो तुम कर पाओगे। अगर मैं कर पाई हूँ, और भी सारे हैं जो कर रहा है, हम जिसको हम जानते हैं, हर कोई कर रहा है, तो अगर तुमको मन है करने का तो तुम कर सकते हो। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।